हेलो नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सब लोगों का उर्मिला वीसी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बीवी का शक, यानी कि पति लोग तो शक करते नहीं हैं, इसलिए पति का शक तो कह नहीं सकते। बात करते हैं बीवी का शक। अधिकांश पति अपनी पत्नियों से परेशान होते हैं कि वो हम पर शक करती है। क्या वाकई में बीवी फालतू का शक करती है? चलो बातें कर लेते हैं थोड़ी इसके ऊपर। शक बीवी का ही क्यों फेमस है, पति का शक क्यों नहीं फेमस? बीवी शक करती है ये हर कहीं से सुनने को मिल जाएगा, लेकिन पति शक करते हैं ऐसा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि पति कामयाब हो जाता है अपनी सारी करतूतों को छुपाने में और सारी करतूतों का एक ही नाम लेने में कि बीवी शक करती है। बीवी अकारण थोड़ी शक कर लेगी, लेकिन शक के पीछे कोई कारण होता है तब कहीं जाके वो शक करती है। बिना किसी कारण के शक नहीं किया जा सकता। बिना किसी कारण के शक करेगी वो पागल थोड़ी है कि बिना किसी कारण के शक करेगी। वो तो आदमी ही लोग होते हैं जो अपनी करतूतों को छुपाने के लिए एकमात्र बीवी मिलती है जिसके ऊपर कुछ भी दोषारोपण कर देते हैं, जिसको शक का नाम भी दे सकते हैं और शक का नाम दे भी देते हैं कि शक करती है, हमारी बीवी हम पर शक करती है। बुराइयों को छुपाने के लिए शक का रूप दे देते हैं, लेकिन बीवी बिना किसी बात के शक कैसे कर लेगी? कुछ तो वजह होती हो। पति समझते हैं कि बहुत ज़्यादा होशियार है वो, और होशियारी दिखाते दिखाते वो इतने होशियार हो जाते हैं कि बीवी के देखे जाने पर भी या सुने जाने पर भी या आभास हो जाने के बाद भी उसको एक नाम याद रहता है कि शक कर रही है। शक ऐसे कैसे हो जाएगा? शक की कोई वजह तो होगी। शक है, कहीं कुछ हुआ है इसलिए शक है। तो बीवी फालतू का शक नहीं करती है। बीवी किसी न किसी आधार पर शक करती है। बीवी एक ऐसी औरत है जो जिसकी जो भी बीवी हो वो उस अपने पति को अपने सास ससुर से ज़्यादा जानती है। बीवी हमेशा देखा होगा जो भी इंसान है उस इंसान को उसके माँ बाप नहीं इतना जानते होंगे जितना उसकी बीवी जानती है, जितना उसके बीवी नज़दीक होते हैं। तो बीवी की आंखों से, बीवी की नज़रों से, बीवी के दिमाग से कभी कुछ छुपता नहीं है। इसलिए हमेशा हर जगह यही पॉपुलर है कि बीवी शक कर रही है, बीवी शक करती है, मेरी बीवी ने शक किया, ये शब्द ही पॉपुलर है। लेकिन बीवी शक क्यों कर रही है? बीवी के शक करने की वजह क्या है? तो इन आधारों पर ये होता है कि बीवी बदनाम है शक के लिए। ये सोचते नहीं हैं कि हम लोग बाहर क्या खुरापाती करके आए हैं, उनको दबाने के लिए बीवी एकमात्र ऐसी औरत मिल जाती है उनको कि सब कुछ उसी पर डाल देते हैं कि बीवी शक कर रही है। सही है, पति लोग तो शक नहीं करते, जबकि बीवी शक करती है, लेकिन फोन बीवी का चेक किया जाता है, फोन बीवी का टटोला जाता है। भाई अपना क्यों नहीं दिखा रहे, अपना क्यों नहीं चेक करवा रहे? अपना चेक करवाओ ना, तब जाना कि हाँ बीवी शक कर रही है। तो शक की सुई ऐसे ही नहीं किसी की तरफ जाती है। शक की सुई कुछ डायरेक्शन मिलता है उसको, तब कहीं जाके वो सुई उस डायरेक्शन में जाती है। वो तो भला है हमारे हिंदुस्तान में कि शक की सुई है। अगर शक की तलवार हो जाती तो कोई बच ही नहीं पाता, फिर तो किसी के खैर नहीं। भला है शक की सुई है तो
तो चुभ के बस उतनी ही चुभती है महसूस हो जाए। किसी की गर्दन वर्दन नहीं काटती। तो बीबी का शक हर जगह पॉपुलर है। अगर किसी बीबी को किसी अपने पति पर शक है तो इसमें कोई गलत नहीं है। शक वहीं होता है जहाँ प्यार होता है। शक उन्हीं लोगों में होता है जिन लोगों में प्यार होता है। देखा होगा आपने कि जहाँ जो जिसको ज़्यादा प्यार करता है वहाँ शक आ जाता है। शक इसीलिए आ जाता है क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वो उसके खिलाफ कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर काम करे तो फिर वो शक का रूप ले लेती है और उसको बोल देते हैं बीवी शक कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ कल सुबह 7 बजे। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ में शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो फिर मिलती हूँ कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।